विश्व भर में इनफर्टिलिटी की बढ़ती समस्या को देखते हुए जेपी हॉस्पिटल ने वर्ल्ड आईवीएफ डे का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि इनफर्टिलिटी एक मेडिकल समस्या है जिसके लिए विशेष देखभाल एवं सहयोग की जरूरत होती है। इनफर्टिलिटी के चलते महिला गर्भधारण नहीं कर पाती, यह एक जटिल समस्या है जिसके कई कारण हो सकते हैं। आज यह समस्या भारत में मूक महामारी का रूप ले रही है। देश भर में लाखों दंपति इसका शिकार हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक 15% भारतीय दंपतियां इस समस्या से जूझ रहे हैं। हालांकि समाज में फैली रूढ़िवादी अवधारणाओं एवं जागरूकता की कमी के चलते बहुत से लोग इस मामले पर चुप्पी बनाए रखते हैं और चिकित्सक की सहायता लेने से घबराते हैं या इसमें देरी करते हैं। I'm Dr. Soma Singh. I'm the senior consultant at JP Hospital in Department of IVF and Infertility. आज वर्ल्ड IVF डे के अवसर पर मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ कंसिडर इनफर्टिलिटी ऑल्सो एज अ मेडिकल डिसऑर्डर एंड पेशेंट शुडंट बी हेसिटेंट टू सीक ट्रीटमेंट फ्रॉम द इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। इसको एक सोशल टैबू ना बनाए। मैम, अक्सर देखा जाता है कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती इन चीज़ों के बारे में, एज भी निकल चुकी होती है, उनके लिए क्या कहेंगे, कैसे उन तक मैसेज पहुँचे? कोई भी दंपति अगर एक साल कोशिश करने के बाद कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो उनको एक गायनेकोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से एटलीस्ट कंसल्ट करना चाहिए। किंतु अगर महिला की उम्र 35 से ज़्यादा है तो उनको 6 महीने बाद कोशिश करने के बाद ही एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए अगर उनको अच्छा नहीं ठहर रहा है। और क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपकमिंग जनरेशन है उनके लिए? जनरेशन के लिए बोलना चाहूँगी कि आपको पता होना चाहिए स्पेशली वुमेंस को, देर इज़ अ समथिंग कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक, कि हम उनके पास सिर्फ एक लिमिटेड ईयर्स होते हैं, ईयर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है, एक ईयर्स होते हैं, उसी में कंसीव करें। और अगर लग रहा है कि वो उस टाइम तक नहीं कंसीव कर पा रहे हैं तो वो हरदम दे कैन ऑलवेज गो फॉर एग और स्पर्म फ्रीजिंग। मैम, IVF जो टर्म है इसका एक बारी फुल फॉर्म? IVF स्टैंड्स फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब जहाँ फर्टिलाइजेशन है स्पर्म्स और एग का जो मिलना होता है, मिक्सिंग होती है, डैट इज़ टेकिंग प्लेस आउटसाइड द बॉडी। इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस। थैंक यू। टानिल कुमार, आई एम द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ JP हॉस्पिटल। सर, आज IVF डे के दिन पे आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या उद्देश्य था? बेसिकली ये जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये एक सोसाइटी में अवेयरनेस के लिए की गई है, क्योंकि अभी हमारे समाज में इनफर्टिलिटी के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं और उसका जो मेन कारण है वो है हमारी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस फैक्टर और लेट मैरिजेस। क्योंकि सारी जो लड़कियां हैं और लड़के हैं वो कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं और लेट मैरिजेस के वजह से जो इनफर्टिलिटी केसेस बढ़ रहे हैं। और हम आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि जो राइट एज पे हमको अपनी फैमिली प्लान करनी चाहिए और जो हमारा जो वर्क स्ट्रेस है उसको कम करना चाहिए। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग अभी भी IVF से डरते हैं या सही नहीं समझते? देखिए, हमारे इंडिया में, भारत देश में थोड़ा सा ये सोशल स्टिग्मा भी है एक तरीके से, कोई भी इनफर्टिलिटी को ओपन में डिस्कस नहीं करना चाहता है। तो मेरी सारे दंपति से ये रिक्वेस्ट है कि वो खुल के सामने आए और अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, अपने डॉक्टर से परामर्श लें राइट टाइम पे और इसका इलाज कराएं। मैं नेहा चौहान, एम्ब्रोलॉजिस्ट हूँ इधर। अभी जैसे कि मैम ने बताया, सबने बताया कि वर्ल्ड IVF डे है, इसमें हम क्या करते हैं, एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पर। जो लोग इनफर्टाइल होते हैं, जो कपल्स कंसीव नहीं कर पाते हैं नेचुरली, उनके लिए आर्टिफिशियली एक मेथड होता है जो लेबोरेटरी में हम स्पर्म एंड एग्स को मिलाकर उसमें हम इम्प्लांट किया जाता है विद इन टू अ वूमन, सो दे कैन ईजिली कंसीव बाय दिस मेथड। प्रोसेसिंग टाइम होता है इसमें अभी, जैसे कि अभी बातें हो रही थी तो मैम ने भी बताया था कि 1 मंथ का टाइम जो है वो इनफ होता है फॉर, लेकिन डिपेंड करता है वो पर्सन टू पर्सन, फीमेल की बॉडी पे डिपेंड करता है, कुछ हेल्थ फैक्टर्स भी होते हैं तो सबकी बॉडी का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट
होता है, जो ट्रीटमेंट सबके अलग अलग होते हैं, तो बेसिकली वैसे वन मंथ इनफ होता है सब, वन और टू मंथ्स में अगर अच्छी अच्छे से बॉडी काम कर रही है तो रिजल्ट्स आ जाते हैं। पेशेंट को IVF कराने जब आता है तो उसका एक माइंडसेट होना चाहिए, तो माइंडसेट कैसे डेवलप करते हैं? वो जो डॉक्टर्स हैं वो कंसल्ट करते हैं, उनको पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए ना, वो भी बात आपकी ठीक है। तो डॉक्टर्स सब बताते हैं कि पूरा कॉन्फिडेंस के साथ उनको गाइड किया जाता है, कंसल्ट किया जाता है, तो सारी चीज़ें उनको समझाई जाती हैं अच्छे से, तो